तो ये जनाब हैं राहुल चोपड़ा और इनके पीछे दीवानी है स्कूल की सारी लड़कियां। और ये है शनाया राहुल की गर्लफ्रेंड। राहुल yes. सुनो ना, आज मैं एक पार्टी कर रही हूँ। ऐसे है तो वो ऑल गर्ल्स ही, पर तुम्हें आना जरूर होगा। आओगे ना पार्टी? हाँ राहुल, आज तुम्हारी फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं है? फुटबॉल? हाँ फुटबॉल, आज मेरी फुटबॉल प्रैक्टिस है तो मैं आने वाला हूँ। और ये है राहुल के दोस्त। राहुल मैं तुम्हारे लिए खाना लाई। थैंक यू। ठीक तो ना? हाँ ठीक हूँ, अच्छी है। बड़ा बात तो ठीक कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ये चौक किसने मारा? तुमने मारा? खड़े हो? ओ राहुल चोपड़ा, तुम ही होगे भाई। जिस मर्जी को लगा दो, आप मेरे बाप को नहीं जानते, मैं नहीं डरता। मुझे 2 हफ्ते हो गए। और खून कब आया था खांसी? 5-6 दिन उसमें को खून आ गया। देखिए मुझे लगता है कि आपको टीबी हो सकता है, तो मैं ये टेस्ट लिख रही हूँ, आपको ये टेस्ट करवाने हैं और जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे दिखानी है रिपोर्ट। सर टीबी होगा मेरे को? देखिए अभी तक मैं पक्का नहीं बता सकती हूँ, पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है। Yeah.
टेस्ट रिपोर्ट्स टीबी के लिए पॉजिटिव आई हैं, तो आपको टीबी है। टीबी? हाँ जी। मैं ठीक तो हो जाऊँगा। अरे आप चिंता मत कीजिए। हाँ, इसी उसमें मुझे की कॉल आ रही है। राहुल मैं तुम्हें वहाँ चलती हूँ। आप चिंता मत करिए, इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। मैं आपको दवाइयाँ लिख देती हूँ, आपको ये 6 महीने तक खानी है और आपको ये जो दवाइयों का कोर्स है वो बीच में छोड़ना ही है। पिक अप द कॉल गाइस। यार यू वोंट बिलीव इट, राहुल राहुल को टीबी हो चुका है। क्या 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 तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मेंटल हेल्थ। हाय गाइस, कैसे हो गाइस? मेरे को भी कॉल आ रहा है। हमने कुछ काम है, पत्थरों को पानी दे के आए। आज के मूड में चले राहुल, आज मेरे से ज्यादा हर काम मेरी कॉफी खत्म हो चुकी है, बाद में मिलते हैं, बाय। ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम टीबी कहते हैं, ये एक संक्रामक बीमारी है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है, परंतु इसका पूरी तरह से इलाज उपलब्ध है। फिर भी जो समाज है उसमें इसे लेकर के बहुत ज्यादा अभी भी डर मौजूद है, और यही डर टीबी के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव का कारण बनता है। टीबी के जो मरीज हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है, उनको उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, जिस वजह से टीबी के मरीज इलाज लेने से परहेज रखते हैं, जिससे ट्रीटमेंट में देरी हो सकती है, उनका संक्रमण और गंभीर हो सकता है और साथ में इसके अंजाम जानलेवा भी हो सकते हैं। टीबी के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव के कारण उन्हें कई तरह की मानसिक बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें सोशल फोबिया और सोशल एंग्जाइटी शामिल है, और साथ में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों का की आशंका भी बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि टीबी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि टीबी हवा से फैलता है, इसलिए जो टीबी का मरीज है उसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल से कवर करना चाहिए या तो फिर मास्क पहनना चाहिए। और टीबी का ट्रीटमेंट शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद जो टीबी के मरीज हैं वो गैर संक्रामक हो जाते हैं, मतलब वो संक्रमण दूसरे व्यक्तियों को नहीं फैला सकते। हमें ज़रूरत है सही दवाइयों की, सही संयोजन की और सही खुराक की। ध्यान रहे कि हमारी लड़ाई टीबी से है, ना कि टीबी के रोगी से। धन्यवाद। राहुल के दोस्तों को एहसास होता है कि उन्होंने राहुल के साथ ठीक नहीं किया, उसके मुश्किल समय में उन्हें उसके साथ होना चाहिए था। तू जैसे जुदा।